अच्छा तो आ गया आप। आपका लैपटॉप आसुस का हो, एचपी का हो, डेल का हो, लेनेवो का हो, एसर का हो वगैरह वगैरह, आपका लैपटॉप जो भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, इजीली और आसान तरीके से इस मेथड के जरिए आप जो है अपने कीबोर्ड में लाइट को जला सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके कीबोर्ड का लाइट है वो आपके कीबोर्ड में लगा हुआ रहना चाहिए। यदि आपका कीबोर्ड में लाइट नहीं लगा हुआ तो फिर कैसे आप जला पाइएगा। यदि आपके वाला में है तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप उसको जला सकते हैं। अब कीबोर्ड में ऊपर वाले हिस्से में आप देखिएगा, आपको जो है कीबोर्ड का एक आइकन मिलेगा पारा हुआ, ठीक है। जस्ट उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी लैपटॉप में लाइट लगा हुआ रहेगा ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि देखिएगा वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस बहुत सारे लैपटॉप के अंदर जो है वो कीबोर्ड वाला आइकन सिंपल प्रेस करने से काम नहीं करता है, तो इसके लिए आप जो क्या कीजिए, आपके लगेगा लैपटॉप में एक फंक्शन का की होगा FN से, उसको ही प्रेस कीजिए। उसके बाद जो कीबोर्ड वाला जो लाइट होता है उसको प्रेस कीजिएगा तो आपका जो भी कीबोर्ड का लाइट रहेगा वो ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड के जरिए आप बिजली कोई भी लैपटॉप किसी भी कंपनी में आप बिजली कीबोर्ड के लाइट को जला सकते हैं। था ना आसान और बिल्कुल इजी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। बाय।